तो भाई लोग, नेपाल टूर ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 2024 दूसरा T20 मैच, जो पहला T20 मैच था, नेपाल जाता है अमेरिका के घर में, अमेरिका को हराता है। अब भैया दूसरे T20 की बारी, क्या दूसरे मैच में भी जो नेपाल की टीम है अमेरिका को अमेरिका के घर में हरा पाएगा, कर लेगा हर मैदान फतेह, या फिर जो दोस्तों अमेरिका की टीम है वो करेगी पलटवार, लेगी पिछली हार का बदला, यानी जो दूसरा T20 मैच होगा अमेरिका वर्सेस नेपाल के बीच में कौन सी टीम करेगी इसे अपने नाम, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। वैसे अगर हम यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो अभी तक दो मैच खेले गए T20 में और दोनों मैच नेपाल ने अपने नाम पे किए, यानी अमेरिका नेपाल को अभी तक T20 में एक भी बारी मैच नहीं हरा पाया। तो क्या आज कुछ ऐसा होगा, उलट फेर कर पाएगा अमेरिका, या नेपाल हर बारी की तरह आज का भी जो मैच होगा उसे अपने नाम पे करेगा, जो सीरीज है इसे भी अपने नाम पे कर लेगा। चलो एनालिसिस करके पता लगा लेते हैं। बस उससे पहले, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे भाई लोग, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। जिन लोगों ने अभी तक ना किया हो, जिन लोगों ने पहले से करके रखा है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, आप सभी को ना मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि भाई लोग टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं ये टीम मैच जीतेगी, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है। जिस ओवर में बोलता हूँ बिगड़ जाएगा, लगभग उसी ओवर में बिगड़ जाता है। 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलते हैं बनने के लिए ना, लगभग उतने ही रन बनते हैं। इतनी ज़बरदस्त अपडेट आपको कहीं मिलेगी, कहीं भी ना मिलेगी, आपको यकीन नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है, तो ऐसा करो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम में ज्वाइन करो, जो आज का मैच है इस मैच में जो भाई की अपडेट है वो चेक करना। अगर आपको सारी अपडेट सही सही मिलती है, मेरा काम पसंद आता है, तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, कहीं जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, काम पसंद ना आए तब आप चले जाना, तब आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। पहले टेलीग्राम पे जाओ, भाई का काम चेक करो, फिर जैसा सही लगे वैसा आपको करना चाहिए। अगर हम इस मैच की बात करें तो भाई लोग संडे 20 अक्टूबर इंडिया टाइम अनुसार 5:30 AM, मतलब बिल्कुल मॉर्निंग में जब हम सो के उठेंगे ना, तब ये सिक्का उछाल के मैच खेलने की तैयारी कर रहे होंगे। और दोस्तों, ये जो मैच है ग्रांड पैरिस स्टेडियम दलास में खेला जाएगा। देखो, पिच रिपोर्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो पहला मैच था वो भी इसी मैदान पे खेला गया था, और उस मैच की वीडियो में मैंने पिच रिपोर्ट बहुत अच्छे से बता रखा था। तो जैसे मैंने मैच बताया था पहले मैच में, पिच रिपोर्ट वैसे ही चला, बिल्कुल सेम वैसे चला, तो सेम पिच रिपोर्ट आज भी रहने वाली, क्योंकि सेम मैदान पे खेला जाएगा। तो दोबारा उसी चीज़ को मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। हाँ, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी पहले मैच को, पिच रिपोर्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, वो जाएं मैच नंबर 1 की वीडियो देख ले, और उनको पिच के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। पूरी वीडियो नहीं देखनी, जो पिच रिपोर्ट का छोटा सा पार्ट है उतना देख लेना, बस इतना बहुत है पिच के बारे में जानने के लिए। अभी हम ये जानते हैं इस मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस। तो जो अमेरिका है उसने 3 मैच खेला, 3 में से 2 जीता 1 हारा, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है, अभी तक एक भी मैच नहीं हारा था। लेकिन जो नेपाल की टीम है, इसने 2 मैच खेला, 1 जीता 1 हारा, अमेरिका को 1 मैच हराया, 1 नीदरलैंड से मैच हारा। तो मतलब इस मैदान पे US वर्सेज नेपाल का जो पिछला मैच था उसे नेपाल ने अपने नाम पे किया है। तो क्या इस मैदान पे फिर से नेपाल अमेरिका को हरा पाएगा, क्योंकि अमेरिका इससे पहले इस मैदान पे एक भी मैच नहीं हारा था लेकिन नेपाल ने हरा दिया। चलो पता लगाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की। अगर हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करते, मे बी एक आता चेंज हो सकता है, जैसे अभिषेक पराडकर को खिलाया जा सकता है। आई थिंक बाकी की जो टीम है सेम रह सकती है, हालांकि इनकी ओपनिंग जोड़ी जो है मुनांग पटेल एंड सत्यजा मुकुमुल्ला। मुनांग पटेल की बात करें तो काफ़ी दिनों बाद चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। अगर हम इनकी परफॉर्मेंस की बात करें, थोड़ा सा आधी अधूरी रहती है, 1-2 मैच में चलते थे, 2-4 मैच में फ्लॉप होते हैं। सत्यजा मुकुमुल्ला की बात करें तो पिछला मैच छोड़कर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है, जब जब इनको मौके मिले बढ़िया रन बना रहे हैं और तेज़ गति से रन बनाते हैं। हालांकि पिछले मैच में ना चल पाए, एंड्रियस गोस की जो फॉर्म रहती है हमेशा बढ़िया रहती है, हमेशा बढ़िया परफॉर्म करते हैं। पिछले मैच में भी ठीक ठाक पारी खेली थी, बहुत ज़बरदस्त नहीं लेकिन बढ़िया था। बात करें अगर हम यहाँ पे एरोन जोन्स की, तो एरोन जोन्स की भी वही कहानी है, 1-2 मैच में चलना, 3-4 मैच में फ्लॉप होना, यानी जो एरोन जोन्स की परफॉर्मेंस होती है लगातार बढ़िया नहीं रहती। मिलिंद कुमार की बात करें तो मिलिंद कुमार हमेशा 25-30 रन बनाते हैं लेकिन लंबी पारी बहुत कम खेल पाते हैं। पिछले मैच में भी देख लो 22-23 रन बनाया था, मतलब शुरुआत मिलती है इनको लेकिन लंबी पारी बहुत कम खेल पाते हैं। श्याम जहांगीर की बात करें तो जो फॉर्म थी उतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन कल के मैच में बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी, 60 रन नॉट आउट थे। और दूसरी चीज़, अभी इससे पहले भी एक मैच में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी, तो कहीं ना कहीं श्याम जहांगीर जो फॉर्म है वो थोड़ा सा पकड़ रहे हैं, या हम कह सकते हैं ठीक ठाक फॉर्म में। बाकी हरमीत सिंह की बात करें तो हरमीत सिंह गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन बल्लेबाजी में ज़्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाते। बॉलिंग ऑलराउंडर है, गेंदबाजी हमेशा सही करते हैं हरमीत सिंह, लेकिन बल्लेबाजी में उतना अच्छा काम नहीं कर पाते। सेम कहानी जसदीप सिंह की, इनकी भी जो गेंदबाजी बढ़िया चलती है, बल्लेबाजी की बात करें उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। नॉस्टर स्किंजी ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और पिछले मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी, इनकी भी जो फॉर्म है काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अली खान ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी पिछले मैच में, किफायती रहे, हालांकि विकेट ज़्यादा ना मिला, ओवरऑल इनकी भी गेंदबाजी बढ़िया रही। लेकिन सौरभ नेतवाकर की बात करें तो ये न्यू बॉल से तगड़ी गेंदबाजी करते हैं, डेथ में भी ठीक ठाक गेंदबाजी कर लेते हैं, ये भी पिछले मैच में गेंदबाजी बढ़िया करी। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे अमेरिका की बात करें तो जो इनके गेंदबाज है कहीं ना कहीं बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बात करें बल्लेबाजों की
तो बल्लेबाज थोड़ा बहुत मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत क्या काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले मैच में गेंदबाजी बढ़िया रही लेकिन बल्लेबाजी सही नहीं चली, तभी इनको मैच हारना पड़ा। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे नेपाल की बात करें तो भैया आसिफ शेख और अनिल शाह ये दोनों ओपन करने आते हैं। अगर हम यहाँ पे आसिफ शेख की बात करें तो लगातार बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, हम या यू कहें नेपाल के लिए सबसे बढ़िया बल्लेबाजी आसिफ शेख करते ही, इनकी जो फॉर्म है बढ़िया है, लगातार रन बनाते हुए आ रहे हैं। अनिल शाह की बात करें नया लड़का है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जिस दिन खेलते तेज खेलते पिछले मैच में ठीक ठाक 27 की पारी खेल के बढ़िया शुरुआत दिलाई थी, लेकिन लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। बात करें कुशल बोटल की तो ये भी ठीक ठाक बल्लेबाज है, हालांकि पिछले मैच में इनका बल्ला नहीं चला, पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। बात करें रोहित पटोल तो सबसे तगड़े बल्लेबाजी करते हैं मिडिल ऑर्डर में नेपाल के लिए, और पिछले मैच में भी वो करके दिखाया जबरदस्त बल्लेबाजी। किसने? कप्तान रोहित पटोल ने। दीपेंद्र सिंह एरी की बात करें तो कमाल के ऑलराउंडर है, जो लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं बल्ले एंड गेंद से, और पिछले मैच में वही कहानी देखने को मिले, बल्लेबाजी भी बढ़िया रही गेंदबाजी भी ठीक ठाक करे, तो मतलब कमाल की फॉर्म में कौन? दीपेंद्र सिंह एरी। बात करें आरिफ शेख तो आरिफ शेख थोड़ा सा टेक्निकल मजबूत है, थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, जब जल्दी विकेट चला जाता है तो जल्दी बल्लेबाजी के लिए आ जाते हैं, लेकिन नीचे थोड़ा सा फिनिश करना मुश्किल होता है, पिछले मैच में वही हुआ, ज्यादा अच्छा फिनिश ना कर पाए आरिफ से। बाकी गुलशन झा की बात करें ये भी बॉलिंग ऑलराउंडर हम कह सकते हैं, जिनकी गेंदबाजी हमेशा बढ़िया रहती है, जैसे पिछले मैच में भी गेंदबाजी काफी ज्यादा बढ़िया करी लेकिन बल्लेबाजी में थोड़ा सा नीचे नंबर आया, इसलिए बल्लेबाजी उतनी ज्यादा अच्छी ना दिखी। सेम कहानी सोमपाल कमी की, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर लेते हैं बढ़िया, और पिछले मैच में गेंदबाजी सोमपाल कमी ने बढ़िया करी, किफायती रहे विकेट छिड़काए, हालांकि बल्लेबाजी इनकी भी ना चली। करण केसी की भी वही कहानी, बॉलिंग ऑलराउंडर है, गेंदबाजी इनकी भी हमेशा अच्छी रहती है, हालांकि बल्लेबाजी में कभी चलते नहीं चलते, जैसे पिछले मैच में देख लो करण केसी की जो गेंदबाजी थी काफी ज्यादा और तगड़ी दिखी। बात करें राजन धाकल की तो ज्यादा खेले नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन पिछले मैच में ये भी गेंदबाजी बढ़िया कर गए। सेम कहानी सागर धाकल, ये भी ज्यादा नहीं खेले, हालांकि इनकी गेंदबाजी बहुत ज्यादा अच्छी चली नहीं, थोड़ा सा किफायती रहे, महंगी रहे, इनकी जगह पे मैं भी ललित राजवंशी खेल सकते, ललित राजवंशी के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, बढ़िया गेंदबाज है, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैच जीता है तो नेपाल शायद ही कोई चेंज करेगा। अगर हम यहाँ पे देखें जो नेपाल की गेंदबाजी काफी ज्यादा तगड़ी है, बल्लेबाजी की बात करें तो थोड़ा सा आधी अधूरी फॉर्म में है, कुछ बल्लेबाज बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बल्लेबाज बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन इनके पास 3-4 ऑलराउंडर ऐसे हैं जो बढ़िया गेंदबाजी के साथ साथ बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, इसलिए अगर शुरुआत के 2-3 बल्लेबाज फ्लॉप भी होते हैं तो 8 नंबर या 9 नंबर तक बल्लेबाजी होने की वजह से थोड़ा सा इनका बैलेंस बन जाता है। वहीं अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के यहाँ पे कंपेरिजन करें तो अमेरिका ने अपने आखिरी के 6 मैच में 3 जीता 3 हारा, मतलब 1 जीत रहे 1 हार रहे हैं। सेम कहानी नेपाल के आखिरी के 6 मैच में 3 जीते 3 हारे, मतलब 1 जीत रहे 1 हार रहे हैं। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी अवरेज है 146 का जो बल्लेबाजी अवरेज होता है उसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते। बात करें अमेरिका की 165 का जो बल्लेबाजी अवरेज है हम इसे ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। बात करें अगर हम यहाँ पे गेंदबाजी अवरेज की 8.23 गेंदबाजी अवरेज हम कह सकते हैं ठीक ठाक है, यानी जो अमेरिका के गेंदबाज है लगभग 170 के आसपास रन खाते हैं, जो बल्लेबाज है वो 160 तक पहुंचते हैं, तभी आखिरी के 6 मैच में 3 जीता 3 हारा, मतलब 1 जीत रहे 1 हार रहे हैं। नेपाल की बात करें 8.33, तो इनका भी गेंदबाजी अवरेज जो है वो ठीक ठाक है, यानी जो इनके गेंदबाज है वो भी 170 के आसपास रन खाते हैं, लेकिन इनके बल्लेबाज 140-150 तक पहुंचते हैं, तभी ये भी 1 जीत रहे 1 हार रहे हैं। तो भाई लोग अगर हम यहाँ पे देखें तो जो रिजल्ट है दोनों टीमों का बिल्कुल एक जैसा है, हालांकि जो बल्लेबाजी अवरेज है वो अमेरिका का नेपाल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, यानी जो अमेरिका के बल्लेबाज है वो नेपाल से बेहतर कर चल रही है, लेकिन पिछले मैच में नेपाल की बल्लेबाजी ज़्यादा बेहतर चली थी। बाकी गेंदबाजी अवरेज की बात करें तो यहाँ पे भी दोनों टीमों का बिल्कुल एक जैसा गेंदबाजी अवरेज है। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम आएगी और जो मैच होगा उसे उड़ा के ले जाएगी जीतेगी, चलो अभी तुरंत के तुरंत हम आपको बता देते हैं। बस उससे पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, अरे जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कर दो सभी लोग लाइक। तो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद ये जो मैच है वो तो मेरे को बराबरी पे नजर आ रहा है, 50 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 50 टीम नेपाल, लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे लगता है जो आज का ये मैच है टीम USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने नाम पे कर सकता है। बाकी इस मैच की जो फाइनल प्रेडिक्शन है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो भाई लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भाई लोग टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं ये टीम मैच जीत सकती है लगभग वो टीम मैच जीत जाती है, जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है। 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलते हैं बनने के लिए ना लगभग उतने ही रन बनते हैं, तो इतनी जबरदस्त अपडेट आपको कहीं मिलेगी? कहीं भी ना मिलेगी, आपको यकीन नहीं है? अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसा करो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, या फिर जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी, अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, जाओ ज्वाइन करो। जो आज का मैच है उस मैच में भाई की जो अपडेट है वो चेक करना, अगर आपको सारी अपडेट सही सही मिलती है मेरा काम पसंद आता है तो टेलीग्राम पे बन जाना टिक जाना, कहीं पे भी जाने वाने की जरूरत नहीं है। हाँ काम पसंद आए तब आप चले जाना, तब आपको कोई रोकेगा नहीं कोई टोकेगा नहीं, लेकिन पहले टेलीग्राम पे जाओ भाई का काम चेक करो फिर जैसा सही लगे वैसा करना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।